चलो भाई ये लड़ाई स्टार्ट है आज। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के लेक्चर से मेन स्टार्ट हो रही है, रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अभी तक आप लोग जो पढ़े वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, चाहे जहाँ से लीजिए, चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लीजिए, चाहे रिएक्शन इंटरमीडिएट से लिए, चाहे एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्वेंट एंड ए सब एंड सो ऑन। और मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का के जो इंट्रोडक्शन पार्ट जिसका आपका क्लियर है, रिएक्शन आपको थोड़ा सा भी चूं से भी कुछ इधर से उधर नहीं होने देगा। हमेशा आप रिएक्शन अटैक वहीं कराओगे, इलेक्ट्रॉन वहीं अटैक कराओगे जहां उसको जरूरत है, यानी प्रोडक्ट वहीं बनाओगे ऑलवेज। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इतना अच्छे से आप लोग कवर किया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट जो अच्छे से कवर करते हैं उन्हीं का ही ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मेरा भी इंट्रोडक्शन पार्ट पहले अच्छे नहीं हुआ करता था जब मैं बीएससी एमएससी करता था। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी में, मैं आपको बता दूं, मैं गैस मार्क्स से पास हुआ हूँ, फेल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं गैस मार्क्स से पास हुआ हूँ बीएससी थर्ड ईयर में। ठीक है, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं मार्कशीट दिखा दूंगा कभी। ठीक है, लेकिन मुझे उस दिन से सदमा लग गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे आती नहीं है। तो जिस दिन से मुझे ये सुने गैस मार्क्स से पास हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी दिन से मैं ठान लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीत के रहूंगा, और उसी दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एमएससी फर्स्ट ईयर में ही मेरा जेआरएफ हुआ था, तो रीजन वही था मेरा, एमएससी फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ होना, वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था। और ऑर्गेनिक को मेन लेके चला था, तो और मैं स्पेशलाइजेशन में रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं ऑफिशियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता ऑर्गेनिक में क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक मेरी ऑफिशियल है, मेरी रिसर्च इनऑर्गेनिक से। ठीक है, तो आज ऑर्गेनिक की शुरुआत हो रही है। अभी तक आप जो लोग पढ़ रहे थे वो ऑर्गेनिक की क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो आप लोग छोड़ देते हो जनरली, जनरली इसको लीव कर देते हो, उसको पढ़ते नहीं, इग्नोर मार देते हो, चलो एक शुरुआत की चीज़ है। लेकिन आप जाके देखो पीजीटी के लगभग 5 क्वेश्चन उस इंट्रोडक्शन पार्ट से आपको मिलेंगे हर ईयर में। ठीक है, चार तो दाग नहीं है, चार तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है हर ईयर में, एवरी ईयर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग को कैसा मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट के मेरे में? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट हो रही है मेन, जो आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ते हो तो हेडिंग डालो आज एडिशन रिएक्शन। अभी जस्ट हम 10 मिनट पहले क्या खत्म किए थे, प्रीवियस लेक्चर में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया था, इसलिए उसको मैं अलग से पढ़ाना जरूरी समझा, मैं समझा था वो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ध्यान आया सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट तो क्वेश्चन आया, तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। ठीक है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन आ गया है तो क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन आज स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा था एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, मैंने बोला था। और एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है, जनरली स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, और ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा यानी कौन होगा, रिएक्टेंट। हमने देखे थे प्रोडक्ट की एसिडिटी, रिएक्टेंट की एसिडिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एसिडिटी कम है, तो बोला था हमने स्पॉन्टेनियस, उनमें भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन जनरली की बात की जाए एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। एडिशन रिएक्शन कैसा होता है, ये भी स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन के कंपेयर में थोड़ा स्लो रेट होता है, लेकिन होता है स्पॉन्टेनियस। यानी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप करने जाओगे, सबसे पहले आप क्या सोचोगे, कौन सी रिएक्शन है वहां पे, एसिड बेस रिएक्शन है। जब वो नहीं होगा, यानी एसिड नहीं प्रेजेंट है, बेस नहीं प्रेजेंट है, तब आप क्या चेक करोगे, एडिशन रिएक्शन कहीं है क्या, एडिशन रिएक्शन की क्या कंडीशन होती है। आप समझते हैं, एडिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप होती है, मेनली क्या होती है, 3 टाइप होती है, कौन कौन सी होती है उसको समझते हैं, कौन कौन सी होती है उसको समझते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा होता है फ्री
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात है इतना। एडिशन रिएक्शन थ्री टाइप होता है मेनली, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल। ऐसा सेम सब्स्टिट्यूशन में भी है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में जो कहाँ पे अवेलेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहाँ हमें मिलता है वो देख ले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली जो मिलता है मल्टीपल बॉन्ड में मिलता है। एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन जनरली कहाँ मिलता है हमें, मल्टीपल बॉन्ड में ही मिलता है। तो यानी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल बॉन्ड में मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड कैसा हो सकता है, ठीक है, एल्कीन में भी होगा, एल्कीन मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, एक सिंगल बॉन्ड से ज्यादा को डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा एल्काइन में भी होगा। तीसरा कॉन्जुगेटेड एल्कीन में भी होगा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन में भी होगा, एल्काइन कॉन्जुगेटेड एल्कीन कैसे मतलब इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, दिख रहा है लोगों, हाँ दिख रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ना। तो अब न्यूक्लियोफिलिक में क्या क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक में जो जो पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, पहला जो हम पढ़ेंगे, पढ़ते तो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक के बारे में, लेकिन उसको एग्जाम्पल लेके हम समझाते हुए चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्या यहाँ पे चैप्टर फिनिश करेंगे, हम यहाँ एल्कीन का चैप्टर फिनिश कर देंगे पूरी तरह से, उसकी रिएक्शन जितनी भी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एल्काइन की रिएक्शन फिनिश कर देंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन की रिएक्शन फिनिश कर देंगे। साथ साथ चैप्टर भी चलता रहेगा, साथ साथ चैप्टर भी चलता रहेगा। ऑर्गेनिक का मैं 80% से 80% नहीं कर सकते 60% लगभग चैप्टर यहाँ मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में टच कराते हुए निकलूंगा और उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं एल्कीन की रिएक्शन हम निकल लेंगे, एल्कीन की सब खत्म यही कर देंगे, ठीक है, एल्कीन की जितनी भी रिएक्शन होगी क्योंकि मल्टीपल एडिशन रिएक्शन की, यानी एडिशन रिएक्शन की, ठीक है। और जो बचेगा हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे, हाइड्रोकार्बन में प्रॉपर्टीज बचती है तो प्रॉपर्टीज हम हाइड्रोकार्बन में खत्म कर देंगे। क्लियर है बातें, नहीं क्योंकि यहाँ पे पढ़ना बहुत डिटेल में ज्यादा जरूरी है क्योंकि एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एडिशन रिएक्शन के नाम से भी पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल में पढ़ते हैं, कार्बोनिल भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, कार्बोनिल भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्ड में ही एडिशन रिएक्शन मिलता है। कार्बोनिल भी C डबल बॉन्ड O, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। और कार्बोनिल में क्या क्या पढ़ते हैं हमें पता है, क्या क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड को भी पढ़ेंगे और कीटोन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम किसका पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे साइनाइड का पढ़ेंगे, फिर किसका पढ़ेंगे, कीटीन का पढ़ेंगे। कीटीन आप लोग जानते हो, जैसे एलीन होता है वैसे कीटीन होता है, कीटीन का भी पढ़ेंगे, आइसोसाइनेट के पढ़ेंगे, आइसोसाइनेट से एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से और हर बार आता है और आता ही रहता है, आइसोसाइनेट एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, चार नेम रिएक्शन है इस टॉपिक से, चार नेम रिएक्शन है, ठीक है, चार नेम रिएक्शन है, कौन कौन से है आप लोगों को ध्यान होगा बताइए, ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और बताइए स्मिथ रिएक्शन, ठीक है, नहीं बता रहा, चलो ठीक है, चारों हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे आइसोसाइनेट तब पढ़ाएंगे वहां पे, चारों का नाम हम तभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूज है क्योंकि नया नया नाम है दूसरा तीसरा तो इसलिए अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बोनिल का जो एडिशन रिएक्शन जितनी है सारी डिटेल में यहाँ स्टडी करेंगे, उसके बाद साइनाइड के पढ़ेंगे, उसके बाद कीटीन के पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड के पढ़ेंगे, इमीन का भी पढ़ेंगे, इमीन का क्वेश्चन आता है बराबर आता है, इमीन इमीन यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इमीन, नया यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ दिख रहा, इसका हम देखेंगे, ठीक है। इतना एडिशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक में मल्टीपल्स बॉन्ड वाले एल्कीन एल्काइन को हम कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, मैं इसलिए यहाँ पे एक जगह लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि कहीं भी आपको देखे एल्कीन एल्काइन आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन वो देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अगर आपको कार्बोनिल टाइप कंपाउंड मिल जाए,
कार्बोनिल टाइप मल्टीपल कंपाउंड मिल जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी रिएक्शन हो देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब फ्री रेडिकल एक अलग से चैप्टर ही आप लोगों का है, इसलिए फ्री रेडिकल तीनों फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सॉरी तीनों मतलब एडिशन रिएक्शन का फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन का फ्री रेडिकल और एलिमिनेशन का फ्री रेडिकल तीनों एक ही चैप्टर में है आप लोगों के कोर्स में। उसको मैं जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करने के बाद इस चैप्टर को फिनिश करूंगा, यानी एक साथ फ्री रेडिकल तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ने में ही कंपेरिजन होगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, यानी इसको हम सेपरेट खत्म करेंगे, ठीक है। और जनरली जहां एल्कीन फ्री रेडिकल मिलता है वो कौन सा मिलेगा, यहाँ भी एल्कीन मिलेगा। एडिशन रिएक्शन जनरली कहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड में ही मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड में ही मिलेगा। यहाँ पे एल्कीन एल्काइन कॉन्जुगेटेड एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्काइन और यहाँ पे कार्बोनिल टाइप कंपाउंड साइनाइड कीटीन आइसोसाइनाइड, यहाँ पे एल्कीन में फ्री रेडिकल। अब आपके दिमाग में छप गया होगा कि एल्कीन एल्काइन और कॉन्जुगेटेड एल्कीन आएगा तो जनरली कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल कहाँ पे देगा एल्कीन, जब हेल्पर आएगा, हेल्पर मैंने बताया था पांच चीजें होती हैं हेल्पर, ठीक है, अगर इसके साथ एल्कीन दिया है तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, कीटीन हो गया, इमीन हो गया, इस सब इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, अब एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक ऑन एल्कीन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ऑन एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहां पे समझिए बात को, पहला जो देखेंगे एल्कीन पे देखेंगे, एल्कीन पे देखेंगे और एल्कीन में क्या क्या पहले डिस्कस करेंगे उसको समझिए बात को। पहला टॉपिक जो एल्कीन में डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक जनरल रिएक्शन, कैसे वो रिएक्ट करता है, क्यों वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, क्यों नहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोले, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे कहानी, जनरल रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी रिएक्टिविटी, कौन से एल्किन फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगी, कौन से एल्किन स्लो रिएक्शन देगी, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे बी पार्ट में, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब रेट, कौन सा एल्किन फास्ट रेट देगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, X मतलब हैलोजन, एडिशन HX का एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन जो पढ़ेंगे एडिशन का HX यानी HBr हुआ, HCl हुआ, HF हुआ, इन सब का हम यहाँ पे देखेंगे, अबाउट डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजिया जाओगे एकदम, क्योंकि एडिशन ऑफ HX जैसे आएगा कहीं फ्री रेडिकल बनता है, कहीं कैसे बनता है, वो हम डिटेल में एकदम ईजी वे में पढ़ाएंगे, आपको मजा बहुत आएगा, आपको लगेगा ही नहीं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन इतना हम कर गए। तीसरा एडिशन ऑफ वाटर, तीसरा नहीं डी पार्ट, एडिशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। और हमें पता है, आपको पता है एडिशन ऑफ वाटर जो होता है, एडिशन ऑफ वाटर जो होता है तीन तरीके से होता है कौन कौन से होता है, तीन तरीके से यहां पे लिखो, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, आप लोगों को याद होगा एडिशन ऑफ वाटर तीन तरीके कर सकते हैं, एसिड कैटलाइज्ड, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन इसको बोला जाता है, मतलब हाइड्रोबोरेशन करेगा फिर ऑक्सीडेशन करेगा, लास्ट जो होता है OMDM, OMDM लास्ट में OMDM, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सी मर्कुरेशन
डीमर्कुरेशन, OMDM शॉर्ट में बोलते हैं डीमर्कुरेशन, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी एडिशन ऑफ एल्कीन में ये तीन रिएक्शन, यानी वाटर में तीन रिएक्शन ही होता है, और तीनों रिएक्शन एक साथ पढ़ लेंगे तभी कंपेरेटिव करने मजा आएगा। मजा ये आएगा कि एसिड कैटलाइज में क्या डिफरेंस है, OMDM में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोबरेशन एंड ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तभी मजा आएगा, ठीक है बातें। और ये चारों रिएक्शन जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे लिख लेना, जो इंटरमीडिएट बनेगा ये दोनों में, जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन बनेगा, जब कार्बोकेटायन बनेगा शुड बी थिंक, क्या थिंक, जब कभी अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन शुड बी थिंक, मस्ट बी थिंक, क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट कहीं तो नहीं हो रहा है। और रीअरेंजमेंट मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, रीअरेंजमेंट जरूर सोचना है कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। शुड बी थिंक क्या, मस्ट बी थिंक, शुड बी नहीं, मस्ट बी थिंक क्या थिंक, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। जब कहीं कहीं भी बन जाए, कहीं भी कार्बोकेटायन बन जाए, हमेशा आपको रीअरेंजमेंट जरूर सोचना है। कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर लेस कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जरूर रीअरेंजमेंट कराना है, ठीक है। ए बी सी डी लास्ट पार्ट जो है ई पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ जगह नहीं हमारे पास, मैं जगह आगे बना देता हूँ, ई पार्ट पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ X2 मतलब हैलोजन, Br2 एडिशन, I2 का एडिशन, यहाँ पे देखेंगे एडिशन ऑफ Br2। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं बनता है, कार्बोकेटायन बनता है बट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है। मैंने बोला था एक कार्बोकेटायन क्लासिकल होता है, एक नॉन क्लासिकल होता है, जो रीअरेंजमेंट ऑलवेज कहाँ होता है, मैंने पढ़ाया था, बताओ, रीअरेंजमेंट ऑलवेज क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में नहीं होता है रीअरेंजमेंट। यानी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगी, इंटरमीडिएट क्या बनेगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगी। तो क्या है, रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, बिकॉज होता ही नहीं है इसमें, रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है इसमें। रीअरेंजमेंट कहां पे सोचना है, जहां पे क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, कहां पे बनता है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ वाटर, तीनों रिएक्शन में, एसिड कैटलाइज में, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन में, एंड OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन में। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ X2 में क्या बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, ठीक है, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इतना हम पढ़ लेंगे एल्कीन के बारे में, और भी देख लेंगे एल्कीन के एक दो रिएक्शन, जैसे ओजोनोलिसिस हुआ, और भी जो होगा रिएक्शन, सारी रिएक्शन आप पे देख लेंगे एल्कीन की। और इसके पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे हम, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन मतलब मीनिंग ये है, क्या मीनिंग है, कि रिएक्शन सिन एडिशन हो रही है या एंटी एडिशन हो रहा है। तो सिन एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंटी एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन पे, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन पे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो चैप्टर अलग है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री इस एडिशन रिएक्शन के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे, सिन एडिशन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एंटी एडिशन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्पेसिफिक होता है ना, कोई सिन एडिशन करता है, कोई एंटी एडिशन करता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद हम क्या चेक करेंगे, रेजियो सेलेक्टिविटी भी चेक करेंगे। रेजियो सेलेक्टिविटी मतलब कितना परसेंट मेजर बनेगा, कितना परसेंट माइनर बनेगा, यानी रेशियो भी चेक करेंगे। ये भी स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है, रेजियो सेलेक्टिविटी।
यानी स्टीरियो आइसोमर भी चेक करेंगे, 50% बनेगा या 60% बनेगा या 40% बनेगा, सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे एल्कीन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एल्कीन की जनरल रिएक्शन। मेन टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन पढ़ रहे थे, अब एल्कीन की बातें आते हैं मेन बातें पे, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हेडिंग डालो। अभी तक हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एडिशन रिएक्शन थे, अब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सारा ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू इस देना इसलिए अच्छा होता है, तो ओवरव्यू ये देना, इससे अब पता चल गया एक ही पेज में कौन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, कौन नॉन क्लासिकल। कंपेरेटिव स्टडी हमने कर लिया ना, और कंपेरेटिव स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, ये नहीं अलग अलग पढ़ोगे कंफ्यूज आ जाते हैं, नॉन क्लासिकल किसमें बनेगा, क्लासिकल कौन बनेगा। तो हम एक कंपेरेटिव स्टडी यहाँ पे दे दिए, जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आप एक अपने मन से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो, दो पेज का जरूर शॉर्ट नोट्स, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने फिनिश किया उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, जरूर बनाओ। रिएक्शन इंटरमीडिएट का कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बन गई, इसकी शॉर्ट नोट्स बन गई ना कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब आप डिटेल में पढ़ लोगे उसका शॉर्ट नोट्स दो तीन पेज में कर लोगे, और शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी होता है, शॉर्ट नोट बनाओगे तभी सिलेक्शन होगा। क्यों क्यों, सुनो सुनो, समझो समझो, जब आप रिवीजन करने जाओगे इतनी बड़ा लेंदी नोट्स हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म कम से कम 30 लेक्चर होगा, उससे कम ना होगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप इतना डिटेल में पढ़ ही ना पाओगे ना। तो आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एडिशन ऑफ एचएक्स में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, और उसमें प्रोडक्ट सीन एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, एंटी एलिमिनेशन, सारी डिटेल जो लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज, तो खत्म हो जाएगा, दो दो लाइन में एक एक रिएक्शन खत्म हो जाएगा ना। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होता है, एक कॉपी शॉर्ट नोट्स की होनी चाहिए, एक कॉपी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की होनी चाहिए, एक कॉपी पीवाईक्यू की, एक कॉपी शॉर्ट नोट्स की, एक कॉपी आपका जो चल रहा है मेन नोट्स का उसकी होनी चाहिए, और शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है, और खुद बनाओगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि खुद बनाने में आपका दिमाग यूज होगा, जब दिमाग यूज होगा चीजें याद होती हैं, दूसरे का नोट्स दिया हुआ सिलेक्शन कभी ना होता है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग, मैं नोट्स दे देता हूँ, आप लोग वही पढ़ते हो, गलत करते हो, मैं बार बार कहता हूँ गलत करते हो, ठीक है, मैं गलत क्या करता हूँ, मैं मेरी मजबूरी है, आप लोग मांगते हो नोट्स, मुझे देना पड़ता है मजबूरी में भाई, लेकिन वो गलत करते हो, दूसरे के नोट से सिलेक्शन नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूँ 99% सर्वथा सत्य है। ठीक है, खुद का नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, हिंदी में ही क्यों ना लिखो लेकिन लिखो। ठीक है, चलो अब आते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन की बातें करते हैं, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। चलो देखो, ध्यान से देखिए, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन की यहां पे बात हो रही है, यहां पे क्या होगा पहले बताइए, यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों रखा हुआ है रिएजेंट पे, रिएजेंट में, रिएजेंट मतलब जो अटैक करने वाला, दिस इज रिएजेंट, और इसको क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट। मैं बार बार बोलता हूं इसको क्या बोला जाता है, रिएजेंट बोलता है, इसको क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे दोनों है, इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, और एल्कीन कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एल्कीन कैसा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ऑब्वियसली कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, रिएक्शन किधर से किधर फ्लो होगी, तो न्यूक्लियोफाइल तो आएगा नहीं, क्योंकि खुद एल्कीन कैसा, खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल तो आएगा नहीं यहां से, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक तो करता नहीं, कौन सा अटैक करता, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्कीन जाएगा हमेशा, रिएक्शन कौन करता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले करते हैं, यानी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल, एक के है, एक के है, दो है, तो ये तो जाएगा नहीं, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है,
और इलेक्ट्रोफाइल है किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। जैसे गया ये इधर टूट गई, और यहां पे सुनना ध्यान से, और जो फर्स्ट स्टेप इसका होता है वही होता है आरडीएस स्टेप, वही होता है स्लो रिएक्शन। और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही होता है आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सुनना ध्यान से, आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो स्लो होता है उसी से हम रेट डिसाइड कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिए थे साइकिल कंपनी वाला कि जो स्लो प्रोसेस बनेगा उसी पे नंबर ऑफ साइकिल बनने की प्रोसेस बताया था ना हमने। सुना ध्यान से, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि साइकिल कंपनी में आप गए, कहीं पहिया बन रहा है, कहीं तीली बन रहा है, कहीं धूरा बन रहा है, कहीं पैंडल बन रहा है, कहीं हैंडल बन रहा है, तो यानी रेट किस पे डिपेंड करेगा। जैसे 1000 पहिया बन रहा है, 1000 पैंडल बन रहा है, 500 धूरा बन रहा है, ठीक है, और हैंडल सिर्फ बन रहा है 50 एक घंटे में, एक घंटे में पहिया 1000, एक घंटे में पैंडल 1000, एक घंटे में तीली बन रहा है 500, एक घंटे में हैंडल जो बन रहा है 50, यानी एक साइकिल बनने में कितना समय लग सकता है। 85 साइकिल बन सकता है, इससे ऊपर तो 50 साइकिल से ऊपर ज्यादा नहीं बन सकता, भले से पहिया 2000 बना लो लेकिन हैंडल तो 85 बन रहा है। जो स्लो बनता है उसी पे तो रेट डिपेंड हो रहा है। स्लो कौन बन रहा है, हैंडल ही तो बन रहा है, एक घंटे में 50 ही बन रहा है, तो स्लो जो होता है उसी पे रेट डिपेंड करता है। यानी जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी पे रिएक्शन रेट डिपेंड होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट इसी पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरा कोई जब फास्टेस्ट स्टेप होता है उस पे रेट हम डिटरमाइन स्टेप नहीं लगा सकते, उस पे हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। लिख लेना, लिख लिए, फर्स्ट स्टेप इज स्लोवेस्ट एंड रेट डिटरमाइनिंग, फर्स्ट स्टेप इज स्लोवेस्ट एंड रेट डिटरमाइन। ठीक है, ठीक है। अब इस एल्कीन में ये ऐसे गया है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, बिकॉज कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कहीं से भी जाए सेम बनेगी, चाहे इधर से जाए, इधर यहां गया, इधर यहां गया, इधर यहां गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रोफाइल सपोजेड मैंने जोड़ दिया है। चलो इस साइड जोड़ देते, इस साइड जोड़, सॉरी इस साइड जोड़, कहीं भी जोड़ो डजंट मैटर, लेकिन हम एरो उस साइड दिखाए हैं, एरो इस साइड दिखाए हैं, मतलब ए वाला जाके अटैक यहां पे कर रहा है। ये वाला ऐसे गया और अटैक यही कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां है, ऐड हुआ है यहां पे, ऐड हुआ है। तो मैंने बोला, बार बार बोलता हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रही, यहां दे रहा है, जैसे यहां दिया ये जाकर अटैक किया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी कहां हो रही, किस कार्बन पे कमी हो रही है, इस कार्बन पे कमी हो रही है। और इस कार्बन जब कमी होती कौन सा चार्ज दिखाते हो, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हो, यानी यहां पे क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ है, क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब क्लासिकल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो शुड बी थिंग, रीअरेंजमेंट, क्या सोचना है आपको, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। ये बन गया इंटरमीडिएट, क्या बन गया, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन का बीच का पार्ट, रिएक्शन का बीच का पार्ट क्या मिला है हमारा, कार्बोकैटायन मिला है। कैसा कार्बोकैटायन मिला है, क्लासिकल कार्बोकैटायन मिला है। और क्लासिकल कार्बोकैटायन कैसा होता है, रीअरेंजमेंट जरूर सोचता है, रीअरेंजमेंट जरूर सोचना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन होता है ना, तो रीअरेंजमेंट जरूर सोचना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप में रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, क्लियर है बातें। और रेट डिटरमाइन स्टेप में क्या क्या हो रहा है उसी पे रेट डिपेंड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, फर्स्ट स्टेप में क्या क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में एक तो ये हो रहा है, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्लियर है। यानी रेट किस पे डिपेंड होगा,
एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप से ही रेट डिटरमाइन हो रहा है ना, यानी फर्स्ट स्टेप में जो होगा वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। क्लियर है बातें? लाइट चली गई है, ठीक है, यहां से हम रिएक्शन को ऐड करेंगे।